हेलो गाइस, माय नेम इज सुंदरनाथ रावल एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट इंग्लिश। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनमें केवल एस लगाने से या फिर एस हटाने से उन वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है वाइट एंड वाइट्स, वाइट एंड वाइट्स। गाइस, वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। एग्जाम्पल, आई हैव अ वाइट कार, आई हैव अ वाइट कार, मेरे पास एक सफ़ेद कार है। लेकिन वाइट में एस लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसका मतलब होता है अंग्रेज। एग्जाम्पल, सम वाइट्स विल कम हियर टुमारो, सम वाइट्स विल कम हियर टुमारो, कल कुछ अंग्रेज यहाँ आएंगे। नेक्स्ट, क्लोथ एंड क्लोथ्स, क्लोथ एंड क्लोथ्स। क्लोथ का मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़े। एग्जाम्पल, यू शुड बाय अ क्लोथ फॉर योर ब्रदर, यू शुड बाय अ क्लोथ फॉर योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई के लिए एक कपड़ा खरीदना चाहिए। गाइस, इस सेंटेंस में बिना सिले हुए कपड़े के बारे में बात की जा रही है। अगला है क्लोथ्स, क्लोथ्स का मतलब होता है सिले हुए कपड़े, सिले हुए कपड़े। एग्जाम्पल, आई विल गिव यू सम ब्रांडेड क्लोथ्स, आई विल गिव यू सम ब्रांडेड क्लोथ्स, मैं तुम्हें कुछ ब्रांडेड कपड़े दूंगा। नेक्स्ट, वुड एंड वुड्स, वुड का मतलब होता है लकड़िया, वुड का मतलब होता है लकड़िया। एग्जाम्पल, डोंट कट द वुड, डोंट कट द वुड, लकड़िया मत काटो। अगला है वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड्स का मतलब होता है जंगल। एग्जाम्पल, व्हाट वर यू डूइंग इन द वुड्स, व्हाट वर यू डूइंग इन द वुड्स, तुम जंगल में क्या कर रहे थे। नेक्स्ट, बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है गाइस के बराबर या के बगल में। एग्जाम्पल, राम इज सिटिंग बिसाइड मोहन, राम इज सिटिंग बिसाइड मोहन, राम मोहन के बगल में बैठा है, यानी कि राम मोहन के बराबर में बैठा है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। एग्जाम्पल, आई हैव अ कार बिसाइड्स बाइक, आई हैव अ कार बिसाइड्स बाइक, मेरे पास बाइक के अलावा कार भी है। नेक्स्ट, कट एंड कट्स, कट एंड कट्स। कट का मतलब होता है काटना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट कट द ट्रीज, आई विल नॉट कट द ट्रीज, मैं पेड़ नहीं काटूंगा। अगला है कट्स, जहां पर कट का मतलब था काटना, वहीं पर कट्स का मतलब होता है घाव। किसी चाकू छुरी या किसी धार वाली चीज से घाव लगने को कट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, आई कांट सी योर कट्स, आई कांट सी योर कट्स, मैं तुम्हारा घाव नहीं देख सकता, मैं तुम्हारा घाव नहीं देख सकता। नेक्स्ट, एयर एंड एयर्स, एयर एंड एयर्स। एयर का मतलब होता है गाइस हवा। एग्जाम्पल, देर इज नो एयर इन दिस बलून, देर इज नो एयर इन दिस बलून, इस गुब्बारे में हवा नहीं है। नेक्स्ट है एयर्स, एयर में एस लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया और एयर्स का मतलब होता है नखरे। एग्जाम्पल, डोंट शो मी योर एयर्स, डोंट शो मी योर एयर्स, मुझे अपने नखरे मत दिखाओ। नेक्स्ट है समटाइम एंड समटाइम्स, समटाइम एंड समटाइम्स। समटाइम का मतलब होता है गाइस कुछ समय। एग्जाम्पल, आई स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स डेली, आई स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स डेली, मैं कुछ समय रोज मेरे दोस्तों के साथ बिताता हूँ। अगला है समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। एग्जाम्पल, समटाइम्स आई प्ले फुटबॉल, समटाइम्स आई प्ले फुटबॉल, कभी कभी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। नेक्स्ट है राइट एंड राइट्स,
राइट एंड राइट्स। राइट का मतलब होता है गाइज सही या ठीक। एग्जाम्पल, यू आर राइट, यू आर राइट, तुम सही हो, तुम सही हो। अगला है राइट्स। राइट्स का मतलब होता है अधिकार या हक। एग्जाम्पल, यू शुड नो योर राइट्स, यू शुड नो योर राइट्स, तुम्हें अपने अधिकार जानने चाहिए, तुम्हें अपने अधिकार जानने चाहिए। नेक्स्ट, ग्रीन एंड ग्रीन्स। ग्रीन एंड ग्रीन्स, ग्रीन का मतलब होता है हरा, यानी हरे रंग का। एग्जाम्पल, डू यू हैव अ ग्रीन शर्ट, डू यू हैव अ ग्रीन शर्ट, क्या तुम्हारे पास एक हरा शर्ट है, क्या तुम्हारे पास एक हरा शर्ट है। नेक्स्ट, ग्रीन्स। ग्रीन्स का मतलब होता है हरी सब्जियाँ। ग्रीन्स का मतलब हरी सब्जियाँ। एग्जाम्पल, सुरेश डज नॉट लाइक ग्रीन्स, सुरेश डज नॉट लाइक ग्रीन्स, सुरेश को हरी सब्जियाँ पसंद नहीं है, सुरेश को हरी सब्जियाँ पसंद नहीं है। नेक्स्ट, गुड एंड गुड्स। गुड एंड गुड्स, गुड का मतलब होता है अच्छा। एग्जाम्पल, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छे लड़के हो। नेक्स्ट, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है गाइस सामान या फिर कच्चा माल। एग्जाम्पल, टुमोरो आई विल सेंड यू गुड्स, टुमोरो आई विल सेंड यू गुड्स, कल मैं तुम्हें सामान भेजूंगा, कल मैं तुम्हें सामान भेजूंगा। तो गाइस, देखा आपने कैसे किसी वर्ड में एस लगाने से या फिर एस को हटाने से उसका मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, आगे बढ़ते रहें। गुड लक गाइस।